मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर है। 10 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। 4 दिन का ये मानसून सत्र होने वाला है। 10 से 14 जुलाई तक मानसून सत्र रहेगा। जल्द विधानसभा जारी करेगा मानसून सत्र की अधिसूचना। तो मध्य प्रदेश में मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, मानसून सत्र की शुरुआत होगी, 4 दिन का यह सत्र रहेगा, कितना खास रहेगा? बिल्कुल, देखिए छोटा सत्र रखने की तैयारी है। मानसून सत्र बेहद महत्वपूर्ण होगा। अभी तक जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके तहत 10 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक का ये मानसून सत्र होगा और इसमें कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र की अवधि जरूर छोटी रखी गई है, लेकिन मुद्दे इस बार के मानसून सत्र में गर्म होंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले का ये मानसून सत्र होगा, आखिरी मानसून सत्र होगा। ऐसे में इस मानसून सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। अभी से पक्ष और विपक्ष के द्वारा रणनीति बनना शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक इस सत्र को लेकर विधानसभा की तरफ से अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी लगी है कि कल तक विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। 22 जून को दुर्ग आएंगे अमित शाह, आम सभा को संबोधित करेंगे। दुर्ग में आम सभा में शामिल होंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आम सभा का आयोजन रखा गया है। दुर्ग लोकसभा समेत पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे भी ने ये जानकारी दी है। यहाँ दुर्ग लोकसभा में 22 तारीख को अमित शाह जी की बड़ी आम सभा होने जा रही है, ये आप लोगों को पहले मैं बता रहा हूँ। और दुर्ग में व्यापारियों का सम्मेलन है 14 तारीख को। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जो कार्यक्रम हैं निचले स्तर पर, और घर घर जो है बाद में कार्यकर्ता जाएंगे, जिसमें 9 साल की मोदी जी की सरकार, 15 साल की हमारी उपलब्धि और 4.5 साल की यहाँ की जो विफलता है उसको लेकर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, दुर्ग का दौरा है केंद्रीय मंत्री अमित शाह का, कितना खास ये दौरा रहेगा? देखिए, चुनावी वर्ष है और इस बीच जो बीजेपी है 30 मई से 30 जून तक विशेष अभियान चला रही है। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने को लेकर के पूरे राज्य भर में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में आयोजन किए जा रहे हैं। 3 क्लस्टरों में बांटा गया है और 2-2 केंद्रीय मंत्री लगातार इन क्लस्टरों पर दौरा करेंगे और जो राज्य सरकार की 4.5 साल की विफलता है उसे गिनाएंगे, केंद्र सरकार की जो सफलता है उसे जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 22 तारीख को दुर्ग पर एक महती आम सभा का आयोजन किया जाएगा और अभी से तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। और जिस तरह से जो केंद्र सरकार की उपलब्धि है, राज्य सरकार की जो अव्यवस्थाएं हैं उसे उजागर करेंगे, तो ये कहा जा सकता है कि चुनावी वर्ष होने के चलते ये काफी महत्वपूर्ण है। और जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह आ रहे हैं तो इसके कई मायने भी और हैं और यहाँ पर बीजेपी को मजबूती प्रदान भी यहाँ पर की जाएगी। और जिस तरह से सभी जो आला जो नेता हैं छत्तीसगढ़ के वो उसकी तैयारी पर जुटे हुए हैं। जब दुर्ग में एक महती सभा का आयोजन होगा और सभा को केंद्रीय मंत्री अमित शाह वो संबोधित करेंगे, व्यापारियों को लेकर के एक बड़ी जो सभा है वो वहाँ पर होगी और उसकी तैयारी पूरी तरीके से जो दुर्ग में की जा रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।